आप सभी आइसक्रीम तो जरूर खाते होंगे। वैसे तो आइसक्रीम संपूर्ण विश्व में ही लोकप्रिय है, सभी लोग इसे चाव से खाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं फैक्ट्री में आइसक्रीम कैसे बनाई जाती है? यदि नहीं तो आज हम आपको बताएंगे कि फैक्ट्री में आइसक्रीम कैसे बनाई जाती है। तो इससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो सबसे पहले आइसक्रीम का सफ़र डेयरी फार्म से शुरू होता है। अलग अलग फैक्ट्री में अलग अलग डेयरी फार्म होते हैं। यहाँ मवेशियों का ध्यान रखने के लिए एक्सपर्ट डॉक्टर की टीम होती है। इसके बाद मवेशियों से दूध निकालने के पश्चात इसे फैक्ट्री फार्म तक ले जाया जाता है। इसके बाद इस फैक्ट्री में दूध की गुणवत्ता को विशेष उपकरणों की सहायता से मापा जाता है। इसके बाद इस दूध को मिल्क स्टेशन से जोड़ा जाता है। फिर इस कच्चे दूध को विशालकाय स्टोरेज साइलोज में पंप के द्वारा पहुंचाया जाता है। अशुद्धियों को छानने के बाद दूध को ऑटोमेटिक सेपरेटर में पहुंचाया जाता है, जहां इसे बहुत तेज़ी से घुमाया जाता है, जहां क्रीम अलग हो जाती है यानी गाढ़ी हो जाती है। इसके बाद इस क्रीम को 10 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान वाले पात्र में रखा जाता है। इसके बाद इसे आइसक्रीम बनाने के लिए आगे भेज दिया जाता है। फिर इस संपूर्ण प्रक्रिया के बाद इसमें चीनी और अन्य सामग्री मिलाकर इसे ब्लेंडर द्वारा मिक्स किया जाता है। सफ़ेद और चॉकलेटी मिश्रण अलग अलग तैयार करके रखे जाते हैं ताकि चॉकलेटी आइसक्रीम भी बनाई जा सके। चॉकलेटी फ्लेवर में उच्च श्रेणी के कोको फ्लेवर का इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद इस मिश्रण को बहुत अधिक प्रेशर से गुजारा जाता है, जिसके बाद यह मलाईदार और गाढ़ा बनता है, जिससे सॉफ्ट आइसक्रीम बन पाती है। इसके बाद इस मिश्रण को परिपक्व होने के लिए 4 से 5 घंटों तक स्टेलाइज किया जाता है। जब तक आइसक्रीम परिपक्व होती है तब तक एक मशीन ड्राई फ्रूट्स को बारीक टुकड़ों में काटती है। इसका उपयोग आइसक्रीम को सजाने के लिए किया जाता है। इसके बाद ड्राई फ्रूट के टुकड़ों को एक ट्रे में समान रूप से फैलाया जाता है। इसके बाद इन ड्राई फ्रूट को ओवन में सेका जाता है, जो आइसक्रीम के फ्लेवर में 4 चांद लगा देते हैं। इसके बाद इसमें कॉर्न फ्लेवर मिलाने के बाद यह मिश्रण आइसक्रीम बनने के लिए पूरी तरह तैयार हो जाता है। इसके बाद मिश्रण को 4 डिग्री तापमान में रखा जाता है। फिर आइसक्रीम सॉफ्ट करने के लिए इसमें हवा का प्रेशर दिया जाता है, जिससे आइसक्रीम सॉफ्ट हो जाती है और अब हम इसका स्वाद ले सकते हैं। इसके बाद इस आइसक्रीम को प्लास्टिक की कैरेट्स में भरकर 25 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान वाले कमरे में रखा जाता है। इसके बाद इन आइसक्रीमों को पैकेजिंग के लिए भेज दिया जाता है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको पता चल गया होगा कि फैक्ट्री में आइसक्रीम कैसे बनाई जाती है।